ठीक है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप चल देख वो सकते हैं हमारी दुनिया है, इधर हम आपको बसों दिखाने दिखा। आज हम आपको इधर गंदम की फसल दिखाएंगे जो अभी काश्त करने वाले हैं। जरूर जरूर साथ किसान देख सकते हैं, अभी काम कर रहे हैं खेतों में। चले आइए, चले हम आपको दिखाएंगे। पांच से सात एकड़ में चलिए आए आते, देख सकते हैं आप बहुत मेहनत की गई है। मगर से मालूम हुआ है डीएपी की जो बोरी है 15,000 की, मगर किसान को जो मन रोकत की जा रही है ये कि साल में जाएगा, क्योंकि हुकूमत को चाहिए कि जो डीएपी की बोरी थी वो सस्ती करे, फिर ताकि सस्ती करते ताकि किसान को रिलीफ मिलता। देखा होगा यूट्यूब पर कोई डॉलर खेलता है, हम आज 10 एकड़ ज़मीन को जलाने जा रहे हैं पटाखे के साथ। आप देखेंगे कितनी ज़ोरों शोर के साथ आग लगेगी, इधर पूरे गांव में थनथनियाँ हो जाएंगी। है फसल में चाहता हूँ कैसे पड़ी, गाइस अब हम आपको किसान मोहम्मद यूसुफ का बेटा मोहम्मद अहमद किसान से मिलाएंगे। इन्होंने अभी फसल बोई है इधर खेत में, आप देख सकते हैं इनके 5 एकड़ से ज़्यादा हम दिखा, 25 एकड़ ज़मीन है जिधर इन्होंने गंदम बोई है। वालेकुम अस्सलाम, ये आपने कितना खर्चा आया इस 1 एकड़ पर आपका? ये खर्चा तो जो रेट है उससे तो काफ़ी ज़्यादा है, जैसा कि आप जानते हैं पास्को का रेट 3,939 रुपये है पास्को का, जो गवर्नमेंट ने रेट निकाला है। लेकिन जो हमारे इधर ताजिर हजरात हैं वो इसे 3,500 से 3,600 से ऊपर बिल्कुल भी नहीं जा रहे, जिससे हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं डीएपी 15,000 से 17,000 तक सेल हुई है। ये हुकूमत अगर इन्हें ये गंदम का रेट कम करना चाहती है तो इन्हें चाहिए कि डीएपी का भी रेट कम करें, जिससे किसान को बहुत फ़ायदा हो। लेकिन पाकिस्तान में कोई ऐसा अमकान नहीं है, तो हम गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि हमारी आवाज़ पहुंचाएं किसानों की। अब फिर कितना लॉस हुआ आपको? अगर अभी देखते हैं, अगर पास्को में भेजें फिर भी इतना ख़ास फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि 6 महीने एक जगह पे मेहनत की जाए और फिर भी उधर कोई 150 बचे, ये बात तो